हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां जब बात करने वाले हैं क्रॉस रेफरेंस के। सबसे पहला सवाल दोस्तों कि क्रॉस रेफरेंस से क्या होता है। बेसिकली दोस्तों, आप स्क्रीन पे देखो तो यहां पे आपको शो कर रहा होगा चैप्टर 1, 2, 3 और 4, जो कि नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, चैप्टर 1 ये रहा, फिर मैं और नीचे आ रहा हूँ चैप्टर 2 है, फिर और नीचे तो चैप्टर 3 और फिर और नीचे तो चैप्टर 4। अब यहाँ पे क्या है कि इसी तरीके से सपोज मैंने 10 चैप्टर लिए हुए हैं और करना क्या है कि हमें चैप्टर नंबर 10 पे जाना है, तो क्या करूँगा मैं, धीरे धीरे अगर मैं नीचे जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, या मुझे 5 पे जाना है, धीरे धीरे नीचे जाएंगे काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक लिंक लगा सकते हैं क्रॉस रेफरेंस से, जिससे क्या होगा कि सिर्फ एक सिंगल क्लिक से मैं सीधा चैप्टर 10 पे पहुंच जाऊंगा, मुझे नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे चैप्टर 4 है, यहाँ पे मैंने क्रॉस रेफरेंस का यूज़ किया हुआ है, आप इस पे ले जाओगे तो आप देखोगे कि ये कह रहा है कंट्रोल की, जो कि कीबोर्ड पे उसको होल्ड करो, यानी होल्ड यानी दबा के रखना है, और आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करनी है। आप देखोगे सीधा सीधा हम कहाँ पे पहुँच गए, चैप्टर 4 पे। अगर आपको एक ही बार में मेन्यू पे जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंट्रोल होम से। तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस से। अब अगला सवाल ये आ रहा होगा कि चलो ये होता तो है लेकिन हम करेंगे कैसे, तो चलते हैं सीधा एक नए पेज पे और इसको करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ क्या करना है कि हम यहाँ पे 5 से 6 चैप्टर लिख लेते हैं। तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है कि इक्वल करना है RAND, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, और प्रेस करना है एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे एक पैराग्राफ हमें मिल जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऊपर आते हैं और इसको नीचे करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा चैप्टर 1। तो मैंने यहाँ चैप्टर 1 लिखा। अब यहाँ पे इस चैप्टर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो इसको कॉपी किया, कंट्रोल से इसे आप कॉपी कर लो या फिर ऊपर से आके यहाँ पे आप कॉपी कर लो, कर्सर को नीचे रखते हैं और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारे पास एक बड़ा चैप्टर यहाँ पे आ गया। अब आपको बस इसमें एक चीज़ अप्लाई करनी है कि ये जो हमने चैप्टर 1 लिया, यानी जो इसका टाइटल है, जो हेडिंग है, उसको क्या करना है, हमें एक अलग फॉर्मेट में लेना है, यानी एक स्टाइल में लेना है, जो कि है हेडिंग, तभी क्रॉस रेफरेंस इस पर अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे हेडिंग लेते हैं और यहाँ पे चैप्टर 1 हम कुछ भी लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं सुपरमैन, ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर 1। इसी तरीके से मैं कुछ और चैप्टर भी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ चैप्टर लिख लिए हैं, जैसे कि चैप्टर 1 हमारे पास यहाँ पे आ गया है सुपरमैन, नीचे में मैंने लिख दिया चैप्टर 2 बैटमैन, और नीचे थोड़ा आते हैं तो चैप्टर 3 आयरन मैन, और चैप्टर 4 भी यहाँ पे है, और चैप्टर 5 भी। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर हम लगाने वाले हैं क्रॉस रेफरेंस। तो सबसे पहले कंट्रोल की को होल्ड करें और आपको होम सेक्शन में होम बटन दिखेगा, इसे आप दबाएं, आप सीधा सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे क्या करना है, एंटर प्रेस करके हमें यहाँ पे जगह बना लेनी है जहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस अप्लाई कर सकें। तो अब आपको क्या करना है, इंसर्ट में आप आओगे, क्रॉस रेफरेंस में जाना है और यहाँ पे हेडिंग सेक्शन में रेफरेंस टाइप क्या होना चाहिए, हेडिंग, क्योंकि जो ये चैप्टर 1 है, आपको रिमेम्बर होगा कि मैंने इस पर हेडिंग लगाई है। तो यहाँ पे क्या करना है, सुपरमैन पे हमें इंसर्ट करना है, फिर चैप्टर 2 बैटमैन, इस पर भी इंसर्ट करना है, चैप्टर 3 आयरन मैन इंसर्ट, चैप्टर 4 थॉर, चैप्टर 5 हल्क, और किया क्लोज। अब आप नोटिस करो यहाँ पे सारे चैप्टर आ गए, हम यहाँ पे कर्सर रख के इन्हें एक सिनेरियो में ले लेते हैं, यहाँ पे ये भी नीचे आ गया, यहाँ पे कर्सर रखा ये भी नीचे, और यहाँ कर्सर रखा, फिर एंटर प्रेस किया ये भी नीचे। अब क्या करना है कि सीधा अगर मैं चैप्टर 1 पे जाता हूँ, तो यहाँ पे चैप्टर 1 तो ऑलरेडी शो हो रहा है, चैप्टर 4 पे चलते हैं। तो जैसे आप इस पर ले जाओगे, ये आपको बोलेगा कंट्रोल की को होल्ड करो, कीबोर्ड पे आपके कंट्रोल की, इसको आपको होल्ड करना है और आपको माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। आप नोटिस करोगे सीधा सीधा हम कहाँ पहुँच गए, चैप्टर 4 पे। कंट्रोल को होल्ड करें, होम की प्रेस करें, आप सीधा सीधा पेज के ऊपर पहुँच जाओगे, और यहाँ पे फिर चैप्टर 5 पे आते हैं, कंट्रोल की को होल्ड करते हैं और हम क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं, आप सीधा देखोगे चैप्टर 5 पे हम पहुंच गए। तो ये होता है दोस्तों क्रॉस रेफरेंस, जिसकी मदद से आप एक रेफरेंस लगा सकते हो, जिसके बिहाफ पे आप अपने काम को शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। तो ये था दोस्तों क्रॉस रेफरेंस। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।